हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और गाइज, अगर आप लोग एक एनटीएससी एस्पिरेंट है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग 2024 के थोड़ा डिटेल्स की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर और इस ईयर में बहुत ज्यादा अंतर है। लास्ट ईयर नंबर ऑफ सीट्स हो गए या फिर स्कॉलरशिप की अमाउंट हो गई वो थोड़ी कम थी, और इस बार जो है बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ा दिया गया उसको डिस्कस करेंगे, और कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज में एनटीएससी प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और इसमें आपको डाउट सॉल्विंग क्लास हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो थोड़ी देर करेंगे। आगे बढ़ने के पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के स्कॉलरशिप्स हो गए, इंटर्नशिप, वर्क फ्रॉम होम, सभी तरह के वीडियोस को हम लोग यहां पे कवर करते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एनटीएससी 2024 में होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और ये जो एग्जाम है बेसिकली दो स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, एक होता है स्टेज वन और दूसरा होता है स्टेज टू। स्टेज वन आपका स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट आपके कंडक्ट कराते हैं जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। वही स्टेज टू आपका नेशनल लेवल पे होता है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम में दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th स्टडिंग है, ओनली क्लास 10th स्टडिंग है, स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको क्लास 11th, 12th और अंडर ग्रेजुएशन तक उनको इसके थ्रू स्कॉलरशिप अवार्ड किए जाते हैं। कितना स्कॉलरशिप अवार्ड किए जाते हैं अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पेपर दोस्तों बेसिकली आपका दो होता है, स्टेज वन आपका दो होता है, दो पेपर में होता है, एक होता है मैट और दूसरा होता है सैट। मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और किसी किसी स्टेट में बेसिक मैथ्स भी इसमें इंक्लूडेड होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और क्वेश्चन को आप लोग को 2 आवर्स में सॉल्व करने होते हैं। मैट के जस्ट 2 घंटे बाद दोस्तों आपका होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सैट, ये भी 2 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का ये भी होता है। इसमें आपसे एसएसटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये क्वेश्चंस होते हैं, साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और मैथ्स से भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, आखिर कितना कट ऑफ जाता है एनटीएससी का हर साल। तो देखिए, जनरल का कट ऑफ जो है 175 से लेकर के 180 तक जाता है। हल्का सा इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि हर साल ये चेंज भी होता रहता है और स्टेट वाइज भी वैरी करता है, ठीक है। ओबीसी का 155 to 160, ईडब्ल्यूएस का भी 155 to 160 सेम ही है, और एससी कैटेगरी का 135 से 140 तक जाता है। वही एसटी कैटेगरी का 130 से लेकर के 125 तक जाता है। तो ये हो गया एवरेज कट ऑफ, और इसी के आसपास होगा, ज्यादा यहाँ पे वैरी भी नहीं करेगा। हम लोग बात करें एनटीएससी 2024 के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में, आखिर इसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट इसका कब अनाउंस होगा। तो सबसे पहला तो दोस्तों 2023 के नवंबर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो जाएगा, और इसका एग्जाम जो है दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक कंडक्ट किए जाएंगे। इसका रिजल्ट फरवरी 2024 तक अनाउंस कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। ये हो गया स्टेज वन का। अब बात करें स्टेज टू का, तो स्टेज टू का एग्जाम जो है मई के 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे, और इसका रिजल्ट जून 2024 में अनाउंस कर दिए जाएंगे, और ये एस्टिमेटेड डेट्स है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। अब बात करें दोस्तों स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में, तो जो पहले अवार्ड किए जा रहे थे अब इस बार यहाँ पे बढ़ा दिया गया। पहले जो है क्लास 11 12th के लिए था 1250 रुपीज पर मंथ, और यूजी स्टूडेंट्स के लिए था 2000 रुपीज पर मंथ। अब इस बार यहाँ पे बढ़ा करके 11th 12th के लिए 2000 से 3000 रुपीज कर दिया गया है, और यूजी स्टूडेंट्स के लिए अप टू 5000 रुपीज तक कर दिया गया। तो स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दिया गया, बाकी नंबर ऑफ सीट्स की भी संख्या पे बढ़ा दी गई है, और वो कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं किया गया। जब भी आता है तो उस पर भी आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन के बारे में, आखिर कौन से वेबसाइट्स हैं, कौन से वो प्लेटफॉर्म है। तो ये एक दोस्तों प्रोग्राम है एनटीएससी विजार्ड, जो एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है careerbuddyforstudy.com की ओर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। एनटीएससी विजार्ड है वो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। सबसे पहला तो दोस्तों 51 डेज के लिए आपको पर डे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाने वाले हैं, विद डिटेल्ड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाला है। साथ ही मेंबरशिप भी दिए जाएंगे, और रियल टाइम डाउट सॉल्विंग क्लास भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसको दोस्तों आप लोग सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज में जो है एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात दोस्तों, 7 डेज फुल मनी रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पे है, नो क्वेश्चन आस्क, यानी कि 7-7 दिन के अंदर में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो 7 दिन के अंदर में आपको ये पैसा भी रिफंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ओनली 51 रुपीज। यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट करके आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।